हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। हिंदी में हम बहुत से वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे हम आए दिन बोलते हैं, अरे मैं पढ़ाई कर रही थी जबकि मेरा भाई खेल रहा था, जबकि, या मैं जहां जाती हूं मेरा भाई मेरे पीछे जाता है, तो जहां भी, या मैं वहां इसलिए गई थी क्योंकि मेरा इंटरव्यू था इसलिए। तो ये सब वर्ड्स हम काफी यूज करते हैं, पर इन सभी वर्ड्स को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं या उनके लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड है, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो आई एम श्योर आज का वीडियो आपकी वोकैबुलरी को एनरिच करेगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि मैं पढ़ाई कर रही थी जबकि मेरा भाई खेल रहा था। सो जबकि, जबकि के लिए जो हम इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे वो है वेयर एज। वेयर का वैसे मतलब होता है कहां, पर जब हम उसके बाद एज का यूज करते हैं तो उसका मीनिंग, वेयर एज का मीनिंग हो जाता है जबकि। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज स्टडिंग वेयर एज माई ब्रदर वॉज प्लेइंग। मैं पढ़ाई कर रही थी जबकि मेरा भाई खेल रहा था। मैं जहां भी जाती हूं मेरी छोटी बहन मेरे पीछे पीछे आती है, तो जहां भी, वेयर एवर। अगेन वेयर एवर इज वन वर्ड और स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, WHEREVER है। आप वेयर और एवर दोनों की स्पेलिंग मिक्स मत कीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक पर भी ध्यान देना है। सो वेयर एवर की स्पेलिंग होती है WHEREVER और हिंदी में मीनिंग क्या हुआ, जहां भी। वेयर एवर आई गो माई सिस्टर फॉलोज मी, मैं जहां भी जाती हूं मेरी बहन मेरे पीछे आती है। मैं जब भी अपने गांव जाती हूं मेरा मन इमोशन से भर जाता है, या फिर मैं जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखती हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, स्पेशली लास्ट ओवर में। तो ये जब भी, ये वर्ड भी हम काफी यूज करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में या बोलने में। तो इसके लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए हम इंग्लिश वर्ड जो है यूज करेंगे वो है whenever। Whenever, when का वैसे मीनिंग होता है कब, पर whenever का मीनिंग हुआ जब भी। सो whenever आई गो टू माई विलेज माई हार्ट फिल्स विथ इमोशंस, मैं जब भी अपने काम जाती हूं मेरा मन, मेरा दिल इमोशन से भर जाता है, भावों से भर जाता है। या whenever आई वॉच इंडिया पाकिस्तान मैच आई गेट goosebumps, मुझे कुछ कपड़े लेने थे इसलिए मैं चांदनी चौक गई थी, या मेरा इंटरव्यू था इसलिए मैं नोएडा गई थी। तो इसलिए, इसलिए के लिए आप बिकॉज भी यूज कर सकते हैं, बट therefore का यूज सही है। आई वॉन्टेड टू बाय न्यू ड्रेसेस, therefore आई वेंट टू चांदनी चौक। या आई हैड एन इंटरव्यू, therefore I was in Noida। मैं 10 बजे के आसपास ऑफिस पहुंच जाती हूं। सो आसपास भी हम बहुत बार यूज करते हैं। आसपास के लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है अराउंड। I reach ऑफिस अराउंड 10 o'clock या 10 AM, या फिर मैं बोल सकती हूं I go to sleep अराउंड 10 PM। जब मैं नोएडा इंटरव्यू के लिए गई थी तो वहां से आने के बाद मेरे कोलीग ने मुझसे पूछा कि नोएडा के रेस्टोरेंट में क्या क्या खाया, या जब मैं ऊटी घूमने गई थी तो मुझसे पूछा कि वहां पर क्या क्या देखा। सो क्या क्या, what all did you eat in that restaurant, what all did you buy from the mall, मॉल से आपने क्या क्या खरीदा। So, क्या क्या, what all। इसी तरह से कौन कौन बातें कर रहा था क्लास में, या कौन कौन डांस फ्लोर पर डांस कर रहा था पार्टी में। सो कौन कौन, who all were talking in the class, क्लास में कौन कौन बात कर रहा था, या who all were dancing on the dance floor last night, पिछली रात डांस फ्लोर पर कौन कौन डांस कर रहा था। आप कौन सी फ्लाइट से मुंबई जा रहे हैं, ऐसा पूछते हैं। सो कौन सी, by which flight are you going to Mumbai,
आप किस फ्लाइट से मुंबई जा रहे हैं, अब कौन सी, इसके लिए भी पाइविच यूज किया। और जिससे, जैसे मैं अगर बोलूं कि मुझे एक बहुत अच्छी बुक मिली जिससे मुझे यूनिवर्स के बारे में और जानने को मिला, तो जिससे, इसके लिए भी हम बाय विच का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड अ यूनिक बुक बाय विच आई गॉट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स। आपने किससे मेरा एड्रेस लिया था, किससे, फ्रॉम होम, फ्रॉम होम डिड यू आस्क माय एड्रेस, या फ्रॉम होम डिड यू टेक माय एड्रेस। और जो आज का लास्ट वर्ड है हिंदी में, जिसे हम बोलते हैं किसी कीमत पर, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं किसी कीमत पर उससे बात नहीं करूंगी, या मैं अब किसी कीमत पर नया वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आप लाइक ही नहीं करते, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। सो किसी कीमत पर या कभी भी, एट ऑल, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी न्यू वीडियोज एट ऑल, या आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू एट ऑल। सो आई एम श्योर आपको आज कुछ नई चीजें पता चली होंगी, आपके वोकैबुलरी में कुछ नए वर्ड्स ऐड हुए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही वर्ड्स लेकर आऊंगी जिससे आपकी वोकैबुलरी और अच्छी होंगी, कुछ और नए वर्ड्स आपको पता चलेंगे। टिल देन, हैव अ नाइस डे।